नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुले 2024 के चुनाव में बांटेंगे टिकट। चंद्रशेखर बावनकुले बने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष। शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा बयान, सितंबर से नवंबर तक 3 महीने में होंगे महाराष्ट्र में सभी चुनाव। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेवाग्राम के बापू कुटी का किया दौरा। बापू कुटी से नई ऊर्जा लेने और समृद्ध राष्ट्र बनाने का किया संकल्प। खबरें विस्तार से। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि पार्टी के प्रति निष्ठावान और लगातार पार्टी को ऊर्जा प्रदान करने वाले बावनकुले अब आगामी 2024 के चुनाव में टिकट बांटेंगे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त किया है। आशीष शेलार को मुंबई महानगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। में पोफली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले आड़द में चरित्र के शक में पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी को जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 राजेश असमर की अदालत ने गुरुवार को कठोर आजीवन कारावास सुनाया और जुर्माना लगाया है। आरोपी ने पत्नी पर शक करके उसे मौत के घाट उतारा था, फिर उसका शव जलाकर सारे सबूत मिटाने के प्रयत्न कर पत्नी को करंट लगने की वजह से उसकी मौत होने की झूठी कहानी रची थी। दोषी करार दिए गए आरोपी का नाम पांडुरंग कबाले बताया जा रहा है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गवाह की गवाही और डॉक्टर प्रीति जायसवाल चिकित्सा अधिकारी उमरखेड़ की गवाही आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस मामले में एडवोकेट रवि रूपरकर ने मामले की पैरवी की, जबकि कोर्ट मोहरार जमादार राहुल मार्कंडे ने कामकाज संभाला। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कामठी में रक्षाबंधन पर बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र संचालिका प्रेमलता दीदी ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व श्रेष्ठ पर्व है जो मानवता को नैतिकता के साथ दिव्य गुणों की ओर प्रेरित करता है और इन्हें दिव्य गुणों को धारण करने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करता है। रक्षा सूत्र बांधने का पवित्र कार्य बहनों द्वारा किया जाता है। बांधने से पूर्व बहन भाई के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाती है जो शुद्ध शीतल सुगंधित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सदा ही सकारात्मक चिंतन कर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आत्मशक्ति ऐसे परिपूर्ण हो जाए ऐसे मंगल कामना करती है, जिससे दुखी और अशांत होने से सुरक्षित हो जाए इसलिए रक्षा सूत्र बांधती है। बाद में मुख मीठा कराया जाता है जो आनंद और खुशी का संदेश देती है। कार्यक्रम के प्रमुख रूप से डॉक्टर संजय राठी, डॉक्टर मंजू राठी, नारायण जी अग्रवाल, सेवक उइके, विमलाताई साबड़े, वैशाली डोनेकर, अनिता मैडम, शेषराव अडाऊ, परसराम नागपुरे, हरिहर गायधने, घनश्याम सकोले, नेमचंद बावनकुले सहित मुस्लिम समाज के हिंदू मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष अहवाज भाई, जमाती इस्लामी के मजहर इमाम भाई पटेल तथा रणाला ग्राम के सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य आदि सहित पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। ओम शांति। इस राखी के उत्सव पर मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि चाहे कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, लेकिन हम एक ईश्वर पिता की रचना है, ईश्वर के बच्चे हैं। इस नाते से हम आपस में एकता से प्यार से रहे। हम अपनी दृष्टि कृति और व्यवहार सभी के प्रति हम पवित्र रखें और प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक व्यवहार करें, आपस में एकता के सूत्र में बंधे रहे और एक मत होकर के हम कोई भी कार्य करेंगे
तो निश्चित रूप में उसमें हम सफलता हासिल करेंगे। इसीलिए पवित्र व्यवहार, पवित्र दृष्टि और पवित्र कृति, यही वास्तव में हमारी स्व की भी रक्षा करेगी, मानव जाति की रक्षा करेगी, संपूर्ण विश्व की रक्षा करेगी। यही आज के दिन पर मैं संदेश देना चाहूंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ अन्य कुछ तकनीकी मुद्दों की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव रुक गए हैं। क्या नई शिंदे फडणवीस सरकार के बाद भी चुनाव होंगे? ये सवाल जहां पूछा जा रहा है, वही सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सभी चुनाव सितंबर से नवंबर तक 3 महीने में होंगे। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अपने बयान में कहा, हंस करने वाले हमारे सत्ता में आने को पचा नहीं पा रहे हैं। एनसीपी की वरिष्ठ महिला नेताओं का कहना है कि कैबिनेट में कोई महिला नहीं है, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की पहली कैबिनेट बनी तो कैबिनेट में कोई महिला नहीं थी, इसलिए राजनीतिक अल्जाइमर नहीं होना चाहिए। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि जब कोई कैबिनेट नहीं था तब भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काम करते रहे। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ओबीसी आरक्षण का फैसला ले लिया। हमने अब तक कैबिनेट की सभी बैठकों में कई फैसले लिए हैं। पिछली सरकार की प्रारंभिक बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मुनगंटीवार ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त को सरकार के निर्देशानुसार देश का हर नागरिक अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएगा। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग झंडे खरीद रहे हैं, जिस वजह से झंडों की बिक्री व मांग बढ़ रही है। खादी तिरंगे झंडे की मांग बढ़ रही है। खादी तिरंगा खरीदने के लिए बाजारों में नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। हरगम मुहिम जो मोदी सरकार ने यहाँ पे जो भारत सरकार ने जो योजना की है, इसके कारण हर प्रकार के घर में और उत्साह है। आप बड़ी में जाके देखिए, अभी तो आप पता नहीं लगेगा, आप 15 अगस्त के दिन आपको जो इसकी अहमियत है वो आपको मालूम करेंगे, क्योंकि बहुत उत्साह है और लोगों में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, हर बच्चों में, स्कूल के बच्चों में भी उसका उत्साह आपको 100% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्लैग का क्या सिचुएशन है, मांग कितनी बड़ी है? मांग तो 100% है, वैसे तो हम प्रोवाइड तो नहीं कर पा रहे, कम से कम 75% हम हमारे हिसाब से प्रोवाइड कर चुके हैं अभी तक, और 25% हम बहुत ही पीछे जा रहे हैं। उसके पीछे की प्रोडक्शन कम होने के कारण उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र भी तरक्की की राह पर है, लेकिन आज भी इस प्रगतिशील महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में विकास की तलाश करनी पड़ रही है। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली घटना चंद्रपुर जिले में सामने आई है। गांव में एक व्यक्ति की मौत होने पर गांव में पुल नहीं होने के कारण बाढ़ के पानी के बीच से अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। पिछले कई सालों में महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाके पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं। चंद्रपुर जिले के करंजी गांव में कब्रिस्तान को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य कई वर्षों से ठप है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी यह पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। इस सवाल पर जनप्रतिनिधियों ने आंखें मूंद ली है। वर्तमान में जिले के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण नदियों और नाले में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है, इससे करंजी गांव प्रभावित हुआ है। गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चूंकि गांव को कब्रिस्तान से जोड़ने वाला कोई पुल नहीं था, इसलिए ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में से अंत यात्रा निकालनी पड़ी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। भाजपा के प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम ने राकांपा प्रवक्ता विधायक अमोल मिटकरी इन्होंने पोस्ट किए हुए एक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमोल मिटकरी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर कुछ वीडियो पोस्ट करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ते आमदार अमोल मिटकरी खरतर त्यांनी ट्वीट करताना तो व्हिडिओ कुठला वापरला, केव्हाचा वापरला आणि का वापरला हे देखील संशयास्पद आहे। आणि त्यांनी थेट या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांना प्रश्न विचारणे हे खरतर हास्यास्पद आहे आणि ते त्यांच्याही क्षमतेपलीकडचं आहे। हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे, तो कोणी पोस्ट केला, कोणत्या शाळेचे ते विद्यार्थी होते आणि कोणत्या राज्यातला तो आहे याची शहानिशानी चौकशी न करता अशा पद्धतीचा थेट सवाल या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना करणे हे मूर्खपणाशिवाय दुसरं कोणतंही लक्षण असू शकत नाही। आणि त्यामुळे मी यापूर्वी म्हणलं होतं की अमोल मिटकरी हे राजकारणातला थिल्लरपणा आहे, त्या पलीकडं काहीही नाही। मी या वाक्याला कायम करताना त्यांनी या पद्धतीची शहानिशा न करता अशा पद्धतीचा ट्वीट करणे म्हणजे मूर्खपणाच्याही पलीकडे अत्यंत बेजबाबदारपणाचं लक्षण असल्याचंच हे आता भासवायला लागलेलं आहे आणि ते स्पष्ट देखील व्हायला लागलेलं आहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सेवाग्राम में बापू कुटी में भेट दी। इस वक्त उन्होंने अभिप्राय लिखते हुए कहा कि बापू के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारत की समृद्धि के बारे में बापू के विचारों से ही सोचा जा सकता है। सर्वसमावेशी और मानवीय विकास, समतामूलक सामाजिक संरचना, सभी के लिए अवसर की समानता, सभी विचारों का सम्मान और पूजा पद्धति हमारा मुख्य मंत्र है। आज देश में लागू किया जा रहा गरीब कल्याण एजेंडा बापू द्वारा वर्णित गरीब नारायण की सेवा है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर वर्धा जिले के सेवाग्राम में बापू कुटी का दौरा किया। फडणवीस ने आगे बापू कुटी से नई ऊर्जा लेने और एक मजबूत समाज के साथ एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का संकल्प किया और सभी को इनमें भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बापू कुटी की हर यात्रा उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए ऊर्जा और नई प्रेरणा देती है। उनके साथ सांसद रामदास तड़स, विधायक नागो गणर, विधायक रामदार अवतकर, विधायक अभिजीत वंचारी, विधायक रंजित कांबले, विधायक दादाराव केचे, विधायक समीर कुंवर, विधायक डॉक्टर पंकज भोयर, मंडलायुक्त विजय लक्ष्मी विदारी, जिला परिषद मुख्य न्यायपालन अधिकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत हेलकर, कलेक्टर प्रेरणा देशभत्तार उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में नागपुर नगर निगम और मैट्रिक्स वरिया संगठन के संयुक्त प्रयासों से 11 से 15 अगस्त तक शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैश मॉब और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। ये पहल युवा एवं नगर आयुक्त एवं प्रशासक की भागीदारी से पूरे शहर में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का माहौल बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी के हाथों इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कल नागपुर नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन के सामने और शाम को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल अंबाजरी में संगठन के युवाओं ने फ्लैश मॉब और नुक्कड़ नाटक किया। इस अवसर पर उपर आयुक्त दीपक कुमार मीना, राम जोशी, मुख्य अभियंता श्री प्रदीप खवले, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, उपायुक्त श्री रविन्द्र भेलावे, श्री विजय हुमाने, शिक्षा अधिकारी प्रतीप मिश्री कोटकर, उदयन अधीक्षक अमोल चोरपगार, खेल अधिकारी पीयूष अम्बुलकर, नगर आयुक्त एवं प्रशासक श्री राधाकृष्ण भी। उन्होंने मैट्रिक्स वॉरियर संगठन के अध्यक्ष आदित्य खोबरागड़े को तिरंगा सौंपकर पहल का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के संयोजन में
नागपुर के युवा संगठन मैट्रिक्स वॉरियर संस्थान ने स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न जानकारी और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नागपुर नगर निगम में एक फ्लैश मॉब कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आज भी 12 अगस्त को सुबह केशवनगर हाई स्कूल नंदनवन व शाम को तिरंगा चौक में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदित्य खोबरागड़े, सचिव अभिषेक उरकुड़े, कोषाध्यक्ष आकाश निखाड़े, संयुक्त सचिव नंदिनी मेजोंगे, शैलेश भालमे, आदर्श दुधनकर और 40 युवाओं ने भाग लिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लागू करने के लिए 11 से 15 अगस्त तक नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैश मॉब अवेयरनेस सीरीज का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे संविधान चौक, शाम 5 बजे फुटाला तालाब, 14 अगस्त को सुबह 9 बजे लक्ष्मी नगर चौक और रात 8 बजे चिटनेस पार्क, 15 अगस्त को शाम 4 बजे कस्तूरचंद पार्क में फ्लैश मॉब कार्यक्रम किया जाएगा। कल 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। बाजारों में राखी की विविध दुकानें सजी हुई है। रक्षाबंधन के पर्व पर नागपुर के श्रद्धानंद अनाथालय के छात्रों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाई जा रही है, जिसे शहर के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के पवित्र बंधन को बांधता है। यह रिश्ता कितना भावनिक है यह बताने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इस वर्ष 11 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया गया। बाजारों में विविध प्रकार की आकर्षक राखियां उपलब्ध है, लेकिन श्रद्धानंद अनाथालय के छात्रों द्वारा बनाई गई पर्यावरण के अनुकूल राखियों से नागपुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। पर्यावरण के अनुकूल राखियां जो सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ ही सस्ती भी है। श्रद्धानंद अनाथालय के छात्र पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में शुरू हुई इस पहल के तहत बनाई गई 5000 राखियां बिक्री हो चुकी है। INIFD शहर में फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग शिक्षा के प्रसार में अग्रणी नाम है। फैशन के क्षेत्र में उभरते डिजाइनरों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक है। इंटीरियर INIFD का दोहरा उद्देश्य है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और दूसरा उद्योग के लिए पेशेवर डिजाइनर्स पूरा करना। यही उद्देश्य लेकर INIFD हर साल नए नए डिजाइनर्स को इसमें ट्रेन करता है। कल शाम सेंटर पॉइंट होटल में इन डिजाइनर्स द्वारा बनाई गई कलाकृतियां पेश होंगी। INIFD नागपुर 13 अगस्त को होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट नागपुर में डिजाइनर अवार्ड्स 2022 का आयोजन करने जा रहा है। इस विशेष अवसर पर 22 छात्र शहर के विविध वर्ग के लिए अपने संग्रह का प्रदर्शन करेंगे। फिल्म एक्ट्रेस और सुपर मॉडल छात्रों के लिए रैंप वॉक करने जा रही है। इस शो में बॉलीवुड अभिनेत्री कोयना मित्रा, सेलिब्रिटी जूरी फैशन डिजाइनर श्रुति संचेती, समारोह के लिए सेलिब्रिटी होस्ट अभिनेता अमन वर्मा भी सहभागी होंगे। साथ ही इवेंट के लिए सेलिब्रिटी सिंगर रिया भट्टाचार्य भी शिरकत करेंगी। ये मेरे लिए शो इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि बहुत सारे फैशन शोज, मिस मिसेज मिस्टर, ये जो कॉन्टेस्ट वगैरह मैं करता रहता हूँ, बट INIFD का इस तरह का शो मतलब किया है बट विद प्रोफेशनल मॉडल्स। आई थिंक आप जितने भी मॉडल्स देख रहे हैं तो वन स्टैंडिंग ओवर देयर एंड ओवर हियर प्रोफेशनल लेवल पे शो हो रहा है। दी स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि क्रिएटिवली जो सबसे बढ़िया काम वो अपना दिखा सकते हैं वो मंच पे दिखाएं। वी हैव प्रोफेशनल मॉडल्स, ऑफकोर्स एज अ होस्ट उन्होंने मुझे रखा है। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि शो का जो लेवल है वो एक स्तर पर हो, बढ़िया हो, एंड नागपुर ही नहीं बल्कि जैसे पूरे भारत देश में एक तरह से पता लोगों को पता लगना चाहिए कि हम इतना बढ़िया और इतना काबिले तारीफ जो शो है वो हम कर रहे हैं। 15 अगस्त आई थिंक इसके बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी जो क्रिएटिव टीम है वो ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगी कि क्रिएटिवली उन्होंने क्या बनाया है। जाहिर सी बात है कि अगर स्वतंत्रता दिवस की अगर आप बात करें, 75th इंडिपेंडेंस डे, तो आई एम श्योर द स्टूडेंट्स वुड हैव, डू यू हैव समथिंग कनेक्टेड टू द इंडिपेंडेंस डे, इज इट? जी, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जी। हैव यू गाइस पुट टुगेदर समथिंग फॉर द इंडिपेंडेंस डे? नो नो नो, दे नॉट एट द मोमेंट। लाइक एज एन इंडिपेंडेंट लाइक ह्यूमन बीइंग,
कि हर किसी को लाइक वेयरिंग एनी गारमेंट वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए। बहुत ही कमाल की बात कही है, स्पेशली हिंदुस्तान में औरतों के लिए उनको सबसे पहले जो वो पहनना चाहती हैं उनको पहनने दिया जाए, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। इस समय मैं यही जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आसपास क्या होने वाला है। जी, मुझे लगता है कि सारी जो भी इंडस्ट्रियां हैं, चाहे वो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, बहुत ही बुरा असर पड़ा था। 2 साल बिना काम के हमारी रोजी रोटी यही है। तो होटल्स बंद थे, शोज़ नहीं हो रहे थे, किसी को पता नहीं था कि नेक्स्ट स्टेप क्या ले और क्या होने वाला है, किसी के पास कुछ आइडिया नहीं था। तो आई थिंक बहुत लेसन मिला सीखने को। सबसे पहले बात तो है कि कभी भी अपने जॉब को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हाँ चलो ये तो कल मिल ही जाएगा या कुछ। दूसरी बात है, एक डर होता है कि इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, डर हमें हमेशा कंट्रोल करके रखता है कि हम चाहे कुछ करना चाहें मगर इसमें इतने कंफर्टेबल हो गए कि दूसरे एवेन्यू को देखने के लिए भी हम 2 बार सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। तो आई थिंक 2 ऑप्शन, दूसरा आई थिंक आई वुड से दिस दैट द फियर वेंट अवे। तीसरा आई मीन आई थिंक फाइनेंशियली ऑल्सो काफ़ी लोगों को बहुत मुसीबतें हुई, जो लड़कियां या लड़के जो मॉडलिंग के लिए बॉम्बे आते थे या टीवी करना चाहते थे या फिल्म करना चाहते थे, सबको जाना पड़ा वापस घर। आप अपनी ज़िंदगी वापस शुरुआत कर रहे हो, जो स्ट्रगल कर रहे थे या उनको कोई एक्टिंग की जॉब नहीं मिली या ऑडिशन देना चाहते थे या कोई भी फैशन शोज़ नहीं हो रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स ने ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी। तो सबको कुछ ना कुछ कोई लेवल, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो या मिड लेवल हो या हाई लेवल हो, सबको अफेक्ट बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। आई एम ग्लैड दैट थिंग्स हैव कम बैक टू नॉर्मल। आई थिंक वी हैव अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर व्हाट वी डू एंड गेन लॉट ऑफ कंपैशन व्हाट अदर्स डू फॉर अस। आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। तो एक कहते ना, एक टीम एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हर इंसान की जो जॉब की जो वैल्यू है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, एंड दैट्स वॉट मेक्स अ शो और अ टीवी और वट एवर इट इज़ अ ग्रैंड सक्सेस, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स जस्ट नॉट मी और हर और एनीबडी एल्स। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, नॉट ओनली फॉर अस फॉर आर जॉब बट फॉर अदर्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब कुछ अभी शुरू हो रहा है, मगर जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके सर ने बताया कि काफ़ी लड़कियां स्टूडेंट यहाँ पे छोटे शहरों से आए, कुछ गांव खेड़ों से, तो छोटे लोगों की एक सोच होती है कि फैशन डिज़ाइनिंग में या फिर मॉडलिंग में लड़कियां उतरना, जिस तरीके की ड्रेस है तो उसके लिए सेफ है नहीं है, किस तरीके का आप एक मैसेज देना चाहेगी इस बारे में? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हों, ज़रूरी नहीं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ फेटल और बैड रेप्यूटेड और वट एवर। चाहे आप डिज़ाइनर्स INIFT के आप देख रख रहे हैं, यंगर द न्यू जनरेशन, दे आर क्रिएटिंग क्लोथ्स फॉर हु? फॉर पीपल लाइक अस हु नीड्स टू बी वॉक्ड ऑन द रैम्प, राइट? वी हैव टू वेयर देयर क्रिएशन एंड वॉक। सो वॉट योर, चाहे वो छोटे शहर के हों या बड़े शहर के हों, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे मॉडलिंग की दिशा में जाना है किस टाइप के जॉब्स करने हैं। अगर आप लॉयर हैं तो आप चाहेंगे कि मेरे पास ऐसे केसेस आएँ जो मैं कर सकूँ और उसमें मेरे सक्सेस हो, तो आप वही जॉब मॉडलिंग में भी चूज़ करना चाहेंगी। जॉब्स तो ऑप्शन बहुत हैं, मगर आप वही लेंगे जो आपको कम्फर्टेबल फील कर रहा, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, कोई आपको गला घोंप के नहीं बोल रहा कि आपको यही करना है। चॉइसेस वैरायटी बहुत होंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस दिशा में जाना चाहती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट अ प्रोफेशनल, 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, तो 20 साल अगर हो गए हैं, जो मैंने बोला नहीं चाहिए तो मैं बोल दिया, मगर 20 साल हो गए, मगर आई एम वेरी प्राउड कि मैं 20 साल जो भी मैंने नाम कमाया है, चाहे मेरी इंडस्ट्री में हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुली कमाया है। तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके पास है, आप किस तरह से उसको आगे लेके जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात डिज़ाइनर्स की, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी क्रिएटिव सेंसिबिलिटी एक प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हैं, उसके बाद चाहे आपका पैशन हो या ना हो वो आप पे डिपेंड करता है। कितने सारे डिज़ाइनर्स आके फैकल्टी में बैठ के देखते हैं, यू कैन बी पिक्ड बाई वन ऑफ द डिज़ाइनर्स एज एन इंटर्न, एंड दैट इज़ योर वे ऑफ द रोड, द जर्नी विल स्टार्ट फॉर यू। So the opportunities will always come. Are you ready to really open the door and welcome it? The choice is yours. Platform aapko diya gaya, INIFT is a very reputed school, an institution where people giving you the platform, whether it's interior designing or fashion, you have the opportunity. Now how you use it and how you progress, the ball is in your court.
how serious you are, and then the results show eventually. सर कल यहाँ पर एक आयोजन होने वाला है, स्पेशली INISB के तरफ से ये एक बड़ा आयोजन है जो 2 साल बाद हो रहा है, किस तरह का आयोजन है उसके बारे में बताएं। ये हमारे जितने डिज़ाइनर्स हैं जो 2 साल बाद, इसलिए हुआ साहब कि जब पैंडेमिक के टाइम में कुछ कर नहीं सकते थे, सब चीज़ अलाउड ही नहीं थी करना, स्टूडेंट्स सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे थे क्योंकि पैंडेमिक होने के कारण कोई भी अपनी क्रिएटिव जो भी क्रिएटिविटी है वो हम लोग हर साल स्टूडेंट्स का जो पास आउट होते हैं वो स्टेज पे लाते हैं थ्रू डिज़ाइनर अवार्ड्स यानी फैशन शो के माध्यम से, वो हम कर नहीं पाए। बट इस साल मौका मिला है, सारा ओपन अप हो गया है, तो अब इस साल से हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली कल बच्चों का शो, ने बहुत मेहनत की है 3 साल, वो सारे बच्चे अपने 15 सीक्वेंसेस और 22 डिज़ाइनर वो मिल के कल आपको स्टेज पे कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। INISB का सबसे खास चीज़ ये होती है कि इसमें बहुत दूर दराज से आई हुई लड़कियों को भी ऑप्शन चांस मिलता है और उन्हें तराशा जाता है। सी INISB का हम लोग का खुलने का मेन उद्देश्य वही था कि जो लोग बॉम्बे दिल्ली नहीं जा सकते, जो नागपुर आते हैं वर्धा से, अकोला से, अमरावती से, वो बच्चों को हम चांस दें, क्योंकि जो बॉम्बे दिल्ली में मिलता है वही उनको नागपुर में मिल रहा है, तो एक तो कॉस्ट कम होती है और जो मेट्रो में जाने का उनका खर्चा है, जो फीस का खर्चा है वो ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है बच्चों को। तो हमारे जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंट की कमी नागपुर में और नागपुर के आसपास नहीं है, उससे मच बेटर टैलेंट है हमारे बच्चों में, जो आप कल देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि भाई इंडिया में ऐसा शो नहीं होता, वी आर गिविंग द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शोज इन द कंट्री टू यू टुमारो। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स वरीड होते हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट टू थैंक INISB बिकॉज़ INISB हैज बीन मोल्डिंग अस सिंस द डे वी स्टार्टेड, लाइक द सिंस द डे वी स्टार्टेड और सेव डे इट्स बीन 3 इयर्स। INISB इज लाइक अ फैमिली, दे मेक अस फील कम्फर्टेबल। Anish sir, our mentor, he has always guided us and helped us in each and every situation. So I would like to thank Sarvesh sir and Anish sir for helping us, molding us and being a huge part of our life. Thank you. तो VKB News के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।